नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद जहां नगर सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया, वहीं नव निर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन की टीम पर शहर की साफ सफाई समेत कई योजनाओं के तहत विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। बिहार में दो चरणों में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने विजेताओं के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अविलंब गजट प्रकाशित करने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया है। गजट प्रकाशित होने के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले ही चुनाव समय पर नहीं होने के कारण नगर सरकार का 6 माह से अधिक का समय बीत गया, जिससे शहर का विकास कार्य भी बाधित है। वहीं नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद महापौर और उप महापौर समेत बड़ी संख्या में जनता द्वारा चुनकर आए नए और युवा पार्षदों से भी क्षेत्र की जनता को काफ़ी आस है। हालांकि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को नगर निगम की महापौर और उप महापौर समेत 51 वार्ड के पार्षद कितना पूरा कर पाते हैं, ये तो नगर सरकार के औपचारिक गठन और विकास कार्यों से ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल पहली बार सीधे जनता द्वारा चुने महापौर और उप महापौर से आम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। भागलपुर में पछुआ हवा के कारण ठंड काफी बढ़ गई है, जबकि इसके कारण तापमान में गिरावट आ गई है। सोमवार को भागलपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तेज बर्फीली हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है, जबकि लोग भी घरों से कम और देरी से निकल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जहाँ दोपहर बाद सूर्य निकलने के बाद लोग घरों से निकल रहे हैं, वहीं सोमवार को पूरे दिन धूप नहीं निकलने और कोहरे के कारण पछुआ हवा चलने से कनकनी और ठंड बढ़ गई है। वहीं इसको लेकर सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जबकि सड़कों पर भी आवाजाही काफी कम देखी जा रही है। इधर शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जबकि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सूबे में धारा 144 के तहत शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। वहीं शीतलहर को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश देते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिया है। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है, जबकि सोमवार को घने कोहरे ने हाईवे पर वाहन की रफ्तार को भी काफी धीमा कर दिया। इसके अलावा अधिकतर ट्रेनें भी निर्धारित समय से देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि धुंध के कारण सड़कों पर वाहन चालक भी दिन में ही बत्ती जलाकर चल रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी बढ़ने से सांस और हृदय रोगियों को परेशानियां हो सकती है, इसके लिए ऐसे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परहेज करना ही बेहतर है। भागलपुर में बहुत अधिक ठंड हो गई है, तापमान बहुत कम गया है, जनजीवन व्यस्त अस्त व्यस्त है और यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग जो है परेशान हैं, जगह जगह पे कुछ जलाने का जो है कार्यक्रम होना चाहिए, जो है हम लोगों को बहुत परेशानी ठंड से हो रही है। नवगछिया पुलिस ने पोस्ट ऑफिस रोड में ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिए जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को एक पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से एक बैग और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 नाबालिग है, जबकि 2 अपराधी रंगरा के भवानीपुर साहूटोला निवासी आर्यन उर्फ मनीष और उजानी निवासी मोहम्मद आजम शामिल है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को दोनों नाबालिग अपराधियों ने ही अंजाम दिया था और इन दोनों नाबालिगों के पटना में हुए लूटपाट के मामले में भी पहले आरोपी होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था। एक टीम व्यवसायी के इलाज के लिए सक्रिय थी तो दूसरी टीम अनुसंधान में लगी थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने कहा कि महज 6 घंटे में ही मामले का खुलासा कर लिया गया है और अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने खरीक से पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किया है। साथ ही एसपी ने कहा कि 4 अपराधियों ने मिलकर इस घटना की योजना बनाई थी, जिसके बाद दोनों नाबालिगों को व्यवसायी के साथ लूटपाट करने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले के
अनुसंधान और जांच में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इधर बताया जा रहा है कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र से पिछले दिनों चोरी की गई है। छापेमारी अभियान में SDPO दिलीप कुमार, नवगछिया थानाध्यक्ष भारत भूषण, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, रंगरा थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल समेत कई पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल शामिल थे। बता दें कि फिलहाल गोलीबारी की घटना में घायल मनीष का इलाज पटना में चल रहा है। दूसरा टीम घटना स्थल पहुंच जाती है, वहां जाकर के देखा कि वहां पे जो अपराधी है उसका ये मोटरसाइकिल मोबाइल वहां पर छूटा हुआ है। फिर वहां से फिर जो CCTV कैमरा था आसपास का और फिर जो वहां पर इनपुट्स मिला हम लोगों को, तो वहां से फिर हम लोग जो टीम थी जो एक SIT गठित की गई थी SDPO साहब के नेतृत्व में, जिसमें SHO टाउन जो पड़ोसी थाना हमारे हैं, रंगरा थाना प्रभारी, गोपालपुर थाना प्रभारी और इस थाना के जो अच्छे पदाधिकारी हमारे हैं, ये उमाशंकर है सब इंस्पेक्टर राहुल गोपालपुर के जो भी सामने आए, और क्या कहते हैं एक सब इंस्पेक्टर आशुतोष और अन्य पदाधिकारी कश्यप, SI कश्यप सभी पे शामिल थे और DIO की टीम। लगातार उन्होंने रात भर मेहनत किया और मैं कह सकता हूँ कि मतलब बेहतरीन अनुसंधान का नमूना पेश करते हुए 5 से 6 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन हुआ। इसमें अपराधी भी पकड़ा गया और अपराध करने में जो हथियार का प्रयोग हुआ था वो हथियार भी बरामद हुआ। भागलपुर में अपराध चरम पर है। एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना का दावा करते हैं, वहीं बेखौफ बदमाश पुलिस की मौजूदगी में अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल नए साल की शुरुआत होते ही शाकचक थाने में एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए पुलिस अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ताज़ा मामला शाकचक थाना क्षेत्र का है, जहाँ बदमाशों ने एक टोटो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल टोटो चालक की पहचान नीलकंठ नगर के छोटी लेन निवासी प्रमोद शर्मा के 17 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों का कहना है कि रविवार की अहले सुबह सुनील का पास के ही निरंजन मंडल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद निरंजन ने अपने 5 सहयोगियों के साथ सुनील की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित सुनील का कहना है कि घटना में निरंजन मंडल, कपिल देव मंडल, सविता देवी और किशोर मंडल शामिल थे और उन्होंने तेज धारदार हथियार से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। साथ ही वे सभी हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। वहीं इसके बाद सुनील के परिवार वाले ने दौड़कर उनका बीच बचाव किया और घटना की सूचना शाकचक पुलिस को दी, लेकिन नए साल की खुमारी में आराम फरमा रहे पुलिस कर्मियों ने मामले में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय उन्हें वापस चले जाने को कहा। पीड़ित पक्ष द्वारा लिखित आवेदन और इंजरी रिपोर्ट दिखाने के बावजूद 24 घंटे बीत जाने पर भी आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज नहीं किया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस के ढुलमुल रवैये से निराशा जाहिर करते हुए शाकचक पुलिस पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में अब तक किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं करने की बात कही है। उठे थे, पेशाब करने जा रहे थे, इतने में हम पेशाब करके आए, हमको दमोच लिया एक 4-5 आदमी मिल के, पड़ोसी था वो घर का, बगल का पड़ोसी था। इतने में उसका नाम है कपिलदेव मंडल, निरंजन मंडल, रुपेश कुमार मंडल, सविता देवी, चिंता देवी, किशोर मंडल, संगीता देवी, सविता देवी। काहे मारा? मारा हमको परसों, जिस दिन हुआ था ये घटना उसके परसों विवाद हुआ था थोड़ा सा घर से, इसी दौरान हमको मारा था वो। क्या विवाद हुआ था? विवाद हुआ था यही कि मेरा एगो छोटा भाई है, उसका पापा नहीं है, वो मेरे बड़े पापा थे, वो गुजर गए, इसी कारण से उसको मारने पीटने लगा। तो इसी कारण से मेरा मम्मी जो है ना बोली कि कायल मारे चो, ये कायल करते हैं। सर ये मेरा भतीजा है और हम लोग तो खैर सोए हुए थे, रात का टाइम था, मतलब करीब 4 बज रहा था सुबह, तो हम देखे क्या कि बगल में जो है ना आवाज़ आ रहा था, हम है ना कि कोई मारपीट कर रहा है, तो उसका आवाज़ लगा हमको कान में, सुनाई दिया, तो हम सुबह जगे। जग करके जैसे हम बाहर आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बगल में एक लेडीज खड़ी थी,
फिर वो लेडीज मेरे को आकर के बोलता है क्या कि देखिए मैंने आपका भतीजा मेरे घर में है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं तो हमारा भतीजा पूरा लहू लुहान था, उन लोगों के हाथ में हथियार भी था। और ये देखे जैसे ही हम घुसते हैं तो फिर वो लोग फटाफट हथियार को फेंक दिया, बोलता है हमी को क्या कि ये देखो मेरे घर में घुसा है। और वास्तविक बात ये था कि उससे दो दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था, मैंने कि हमारे बच्चे लोग से ही हुआ था, बच्चे बच्चे में हुआ था, बड़े से नहीं हुआ था। लेकिन इसी दरमियान वह बोला हम तुमको देख लेंगे, तो इस दरमियान में उसने कल सुबह 4 बजे सर कोई भी व्यक्ति उठता है अपना शौच उच के लिए जाता है, उसी दरमियान मेरा भतीजा शौच करने के लिए गया तो वहीं पे वो लोग सारे लोग मिल कर करके जो है हमारे भतीजा को पकड़ के घिसटते हुए वो अपने घर में बिठा दिया ताकि इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। घर पस रहा है, हम जो है शुगर का पेशेंट है, हम 1 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, अंग्रेजी दवाई से हमको उतना फ़ायदा नहीं हुआ इतना होना चाहिए। फिर हम एक राय से परामर्श लिए और दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाने के बाद हमको बहुत फ़ायदा हुआ। 1 महीना में ही हमको फ़ायदा होने लगा, बहुत फ़ायदा हुआ, और 3 महीना में मेरा बीमारी जड़ से छूट गया। और हम रोटी चावल भात सब खाते हैं और हम इनके दवाई से बहुत संतुष्ट हैं। 1 महीने से मेरा दवाई बंद है, सब कुछ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं। और मैं हमको 1 साल से शुगर था तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक किराए, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब, तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था, तो वो सब ठीक हो गया। 3 महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाएं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते, सब चीज़ खाने का बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज़ खाते हैं, खाना जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक है, हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर छात्र राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा TMBU के कुलपति का अर्थी जुलूस निकालकर TMBU के प्रशासनिक भवन परिसर स्थित नाले के समीप अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल 5 नवंबर को पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी का कार्यकाल पूरा होने पर नए प्राचार्य के रूप में SN पांडे को नियुक्त किया गया है। इसके बाद प्राचार्य पद पर दावेदारी करने वाली प्रोफेसर अर्चना शाह ने कुलपति को एक आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में उन्होंने 27 दिसंबर तक इस पर मंथन कर सही निर्णय लेने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की थी। वहीं इसको लेकर छात्र राजद के दिलीप कुमार ने कहा कि राजभवन का नियम है कि कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्रभार दिया जाता है, लेकिन TNV कॉलेज में कनीय प्रोफेसर को प्रभार दिया गया है। साथ ही प्रोफेसर अर्चना शाह को प्राचार्य का प्रभार देने की मांग करते हुए कहा कि इसी फैसले के विरोध में उन लोगों ने सोमवार को कुलपति का अर्थी जुलूस निकाला है। इसके अलावा प्राचार्य नहीं बदलने पर छात्र राजद ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अभी जो तत्कालीन घटना है TNV कॉलेज का मामला है, TNV कॉलेज में राजभवन का नियम है, जो चाहे डिपार्टमेंट हो या महाविद्यालय हो, जो वहाँ के वरीय शिक्षक हो, उनको जो है प्रभार दिया जाता है। लेकिन TNV तिलका मांझी भागलपुर का रोना है, जो यहाँ के भ्रष्ट कुलपति है, दलालों से घिरे हुए हैं, मोटा रकम लेकर के जो वहाँ के कन्या शिक्षक है उनको प्रभारी प्राचार्य बनाया गया, जो बहुत ही दुखद है। वहाँ जो वरीय शिक्षक है उनको प्रभार नहीं दिया गया है। वरीय शिक्षक में महिला आती है, महिला नारी का सम्मान नहीं किया गया, उसका अपमान किया गया। वो महिला जो है 30 तारीख से धरना पे बैठी है, लेकिन जो कुलपति है भ्रष्ट, उसके कान पे जूता नहीं रेंग रही है। भागलपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला शाखा की ओर से अपनी मांगों को लेकर 1 से 9 जनवरी तक जन वितरण प्रणाली के तहत सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया है। इसको लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक की, जिसमें पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार को एकजुट कर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 जनवरी से धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। साथ ही 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं इसको लेकर सभी जन वितरण प्रणाली के डीलर एकत्रित हुए और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धल्लू बाबू धर्मशाला में एक साथ धरना प्रदर्शन के लिए निर्णय लिया। मौके पर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष प्रेम रंजन उर्फ रंजन यादव, उपाध्यक्ष शशिधर प्रसाद सिंह, महामंत्री अरविंद कुमार चौधरी समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हमारे 9 सूत्रीय मांग को लेकर जन वितरण दुकानदार 1 जनवरी से 9 जनवरी तक वितरण कार्य स्थगित रख के 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के सफलता के लिए हम लोग आज भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन अपने सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके इसको सहयोग करके इसको सफलीभूत करने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं कि हम लोग एक रणनीति के तहत 9 तक वितरण बंद रखेंगे और 9 तारीख को पूरे भागलपुर जिला का 1-1 जन विक्रेता पटना में अपना धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसी के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं। भागलपुर में पंचायत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन ऐसे कई योजनाओं की जानकारी और लाभ धरातल पर आम लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके कारण सरकार की कई योजनाओं में भारी घोटाले भी सामने आते हैं। दरअसल जिले के पीरपैंती 12 पंचायत से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ पंचायत के मुखिया लाल मुनि शाह के द्वारा पंचायत के योजनाओं में भारी घोटाला करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत के योजना में पंचायत सरकार भवन निर्माण में भारी अनियमितता नजर आ रही है, जिसमें 1,15,00,000 की योजना की खानापूर्ति कर योजना में भारी घोटाला किया गया है। वहीं पंचायत में बनाए गए एक चबूतरा को लेकर कहा जा रहा है कि वर्तमान मुखिया लाल मुनि शाह ने सिर्फ ढलाई करके 4,00,000 सरकारी खाते से निकाल लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया ने पहले से बने पाए के ऊपर ढलाई कर पंचायत के पंडाल और पंचायत सरकार भवन की राशि का गबन कर लिया है। साथ ही लोगों ने इस मामले की जमीनी स्तर से जांच कराने की मांग की है। मुखिया काम करा रहा है, धंडर काम करा रहा है, तो 15%, 20% और 50% का कितने बार चेक करने आया अधिकारी? क्या अधिकारी, अधिकारी चेक करता है, उनका काम होगा। कितना बार आया अभी तक में? अरे भाई वो आ रहा है जा रहा है, हमको पूछ के नहीं है ना आएगा। प्रतिनिधि आपसे किसे पूछ के आएगा यहाँ? अरे वो आता है, अपना जांच करता है, सबका टीम अपना अपना गठित है।
तीन नंबर ईटा जो लग रहा है इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? ईटा तीन नंबर कहाँ होता है? तीन नंबर भट्टा का ईटा होता है, ये तो ईटा लग रहा है ठीक है, चिमनी का ईटा लग रहा है। चिमनी का चिमनी का ईटा जो है वो भी आप में मेरे पास फुटेज है। फुटेज है तो चिमनी का ईटा है। 10 mm का छड़ कहाँ कहाँ लगना है? कहाँ 10 mm का छड़ है वो इंजीनियर को पूछेगा, ये तो मुखिया जी तो मान लेते हैं वहाँ, तो हम क्या बता सकते हैं कितना कहाँ लगेगा। अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें आप कितना योगदान दीजिएगा? भ्रष्टाचार भाई वो सरकार की योजना है, इंजीनियर है, जई है, सभी पदाधिकारी काम कर रहा है, वहाँ देखने आता है। आप कितना दिन गए वहाँ पे देखने के लिए? हम तो मुखिया है तो हम तो रोजे जाएंगे देखने, हमको कौन। कितना बार गए अभी तक? हम तो हर दमा भी जाएंगे वहीं पे। अच्छा, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।